भाभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियोगी? क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? भाभी आप नाराज हैं? नहीं सिया, मैं बहुत खुश हूँ और तुम मेरे जले पर नमक छिड़कती थी, कोशिश मत तलो। ये आप क्या कह रही हो? बस सिया, ये अपने पन का नाता छोड़ दो तुम। मुझे सबसे अलग तलते तो तुम्हें बहुत तसल्ली होती होती ना। मुझे सबसे दूर तल दिया है तुमने, मेरे पति से, माँ और पापा से, सबसे। अब बहुत क्या चाहती हो तुम? हाँ रही हैं आप छोटी माँ, इस घर की चकाचौंध ने नागपुर वालों की आंखों को चौंधियाना शुरू कर दिया है। देख रही हूँ सनी बेटा, सब देख रही हूँ। जो तमाशा हो रहा है उसे होने दो। अब तो ये देखना है किस प्रधान परिवार का असली रंग आखिर है क्या। असली रंग तो सबका वही होता है छोटी माँ, जो पैसा देखते ही झट से बदल जाए। इनका असली रंग भी वही है। सनी बाबा चाय। सुनो, आज पूजा नहीं हो रही? पता नहीं सनी बाबा। हाँ वो कल अंदर बहस चल रही थी ना, शायद इसीलिए। बहस? कैसी बहस? पता नहीं सनी बाबा, पर प्रधान साहब और मीनाक्षी जी काफी नाराज लग रहे थे। और उनकी बहू नंदिनी, वो क्या कर रही थी? वो चुपचाप डांट खा रही थी बस। चुप थी लेकिन काफी गुस्से में थी। ठीक है तुम जाओ। दौलत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब इस प्रधान परिवार को दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बेचारे डैड ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जो दौलत वो इस भिकमंगे परिवार को देके जा रहे हैं, एक दिन वही दौलत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। छोटी माँ, दुश्मन के घर में पड़ी हुई ये दरार क्या हमारे किसी काम नहीं आ सकती? आ सकती है सनी बेटा, जरूर आ सकती है। कई दिनों से मुझे एक मोहरे की तलाश थी और अब मुझे ये लगता है कि मुझे वो मोहरा मिल गया है। ओ वाव, इसका मतलब हमें उस मोहरे का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करना होगा। फिक्र मत करो सनी, तुम बस देखते जाओ दिन ब दिन क्या हशर होता है इस प्रधान परिवार का। किसी चीज का इंतजार है छोटी माँ? हाँ, एक धमाके का। धमाका? कैसा धमाका? कुछ देर और इंतजार करो और फिर देखना, तुम्हें सुनाई देगा एक धमाका।